जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है नीलम दुर्गा भवानी और मैं स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदू क्वीन ऑफ वॉन्स टैरो कार्ड रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो ये रीडिंग है ये है मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स वॉल्यूम 118। हम जानेंगे क्या संदेश है यूनिवर्स का आपके लिए। यहाँ पर आपके पास हैं दो ऑप्शंस, एक है ये व्हाइट स्टोन और एक है ये ग्रीन स्टोन। इन दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करें जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो। ग्रेट, आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं जिन्होंने सेलेक्ट किया ये व्हाइट स्टोन, क्या संदेश है यूनिवर्स का आपके लिए इन मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स वॉल्यूम 118। यहां पर हमें मिला है टू ऑफ पेंटिकल्स, जिसका मतलब है कि कहीं कोई पर्सन ऐसा है आपके आसपास जो अपने फाइनेंशियल गेन के लिए आपको यहाँ पर धोखा दे सकता है। हो सकता है कि वो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी प्रैक्टिस कर रहा हो, क्योंकि उसको अपना फाइनेंशियल गेन यहाँ पर चाहिए। एग्जैक्टली, हमारे पास आया है यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ये वो पर्सन है जो कहीं ना कहीं आपके ऊपर नज़र रख रहा है। जिस पर्सन को आप देख रहे हैं ये आप पर नज़र रख रहा है और कब ये क्या करने वाला है आप सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पर कोई पर्सन है जो आपके ऊपर नज़र रख रहा है और आपके जो फाइनेंसेस हैं उनके ऊपर उसकी पूरी नज़र है। आने वाले समय में ये पर्सन आपको धोखा देगा। यहाँ पर थ्री ऑफ वॉन्ड्स है, आप देख सकते हैं बहुत सारी फायरी एनर्जी है। यहाँ पर जो ये फायर है ये कहीं ना कहीं जेलेसी को दिखाती है। तो जो भी ये पर्सन है ये आपसे बहुत ज़्यादा जेलेस है किसी बात को लेकर के, और ये आपके कंपनी को, आपकी जॉब पे, किसी भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आपको फाइनेंशियल गेन हो रहा है उस पर अपनी नज़र बनाकर बैठा हुआ है और आपको फाइनेंशियल लॉस दे सकता है आने वाले समय में। यहाँ पर आया है टू ऑफ वॉन्ड्स। आपके जो पार्टनरशिप में अगर कोई पर्सन है तो ये वो हो सकता है। अगर आपकी कंपनी में कोई पार्टनरशिप है आपकी किसी से तो यहाँ पर ये वो पर्सन हो सकता है, क्योंकि वो खुश नहीं है। यहाँ पर कुछ ना कुछ बात ऐसी हुई है। हो सकता है रिसेंटली कुछ ऐसे डिसीजंस लिए गए जो उसे पसंद नहीं आए हैं, और यहाँ पर जो कार्ड है ये बताता है उसे लगता है कि उसके साथ इनजस्टिस हुआ है, धोखा हुआ है। तो आपका कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है, आपका कोई नोन टू हो सकता है जिसको ऐसा लगता है कि आपने उसके साथ इनजस्टिस किया है, और इसीलिए वो पर्सन जो है यहाँ पर आउट ऑफ जेलेसी, आउट ऑफ एंगर आपको फाइनेंशियल लॉस दे सकता है आने वाले समय में। तो यहाँ पर अलर्ट है आपको, अगर आपने रिसेंटली कोई मेजर डिसीजंस लिए हैं तो ध्यान दीजिएगा कि क्या आपके उस डिसीजन से आपके एम्प्लॉई को, आपके बिजनेस पार्टनर को या आपके किसी रिलेटिव को प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि यहाँ पर वही पर्सन आपके लिए आगे आने वाले समय में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो यही संदेश है आपके लिए यूनिवर्स का इन मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स वॉल्यूम 118। अब देखते हैं जिन्होंने सिलेक्ट किया है ये ग्रीन स्टोन, देखते हैं उनके लिए क्या संदेश है यूनिवर्स का इन मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स वॉल्यूम 118। लाइज एंड डिसीज का कार्ड आया है। चीजों में क्लैरिटी नहीं है, आपको नहीं पता क्या हो रहा है। यहाँ पर कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा नकारात्मक बातें फैला रहा है, कोई झूठ बोल रहा है आपके बारे में। यहाँ पर कोई नो वॉन्ट्स भी आई हैं, लेकिन आपको उनके बारे में पता है कौन है वो लोग जो आपके बारे में झूठी बातें फैला रहे हैं। आप उन सब लोगों को जानते हैं आपके बारे में झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पर आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और उसके साथ यहाँ पर आया है द टेम्परेंस कार्ड। हो सकता है कि जो भी पर्सन आपके बारे में झूठ बोल रहा है उस पर्सन के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और आप आने वाले समय में कोई लीगल एक्शन उसके खिलाफ ले सकते हैं या आप कुछ ऐसा करेंगे जो इस सिचुएशन को बैलेंस करेगा। क्या करने वाले हैं आप? यहाँ पर आया है पेज ऑफ कप्स, इसका मतलब है कि हो सकता है कि कोई पर्सन आपके पास आए कोई अपॉर्चुनिटी लेकर, या फिर आप किसी पर्सन को भेजो इन लोगों की तरफ कोई अपॉर्चुनिटी लेकर। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली कम्युनिकेशन होने वाला है, अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर दिख रही हैं। क्या होने वाला है आगे चल के? मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर आया है। तो जो ये पर्सन है जो आपके बारे में प्लान तरीके से झूठी बातें फैला रहा है, आपको डिफेम कर रहा है, यहाँ पर आप इस पर्सन को देख रही हैं, आपकी इस पर नज़र है। अब यहाँ पर आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पेज ऑफ कप्स है। तो यहाँ पर आप कुछ ऐसी कोशिश करेंगे कि आप इस पर्सन को कंट्रोल करेंगे अपने सोर्सेज से। हो सकता है कि आप अपने किसी दोस्त को भेजें इस पर्सन के पास
और उससे कहें कि जो भी ये सिचुएशन है इसको आउट ऑफ कंट्रोल ना होने दें, आपकी इमेज को यहाँ ख़राब ना होने दें। तो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आप अपॉर्चुनिटी देंगे सामने वाले पर्सन को, आप यहाँ सामने वाले पर्सन को फाइनेंशियल बेनिफिट जो है वो यहाँ पर देते हुए दिख रहे हैं। तो आने वाले समय में सिचुएशन ख़राब होगी लेकिन उसको मैनेज करने की कोशिश आप करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका कॉम्पिटिटर है, जो ये पर्सन है जो इंटेंशनली आपको डिफेम कर रहा है, क्या वो आपकी बातों में आएगा, क्या वो आपकी बात को मानेगा, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर आया है टू ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर जो भी ये पर्सन है ये आपसे काफ़ी नाराज है, ये आपका कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है, लेकिन ये पर्सन आपकी बातों में आता हुआ यहाँ पर नहीं दिख रहा है क्योंकि इसकी राइवलरी है आपसे। यहाँ पर आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो जो भी ये पर्सन है ये आपसे कहीं ना कहीं जेलस है, ये इतना इजीली आपसे आपकी बातों में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है और जो भी ये पर्सन है इसको आप पास्ट में जानती हो, तो आपका कोई न्यू बिजनेस पार्टनर हो सकता है जिसके साथ आप काम कर रहे हैं और ये जो आपका पुराना बिजनेस पार्टनर है इस पर्सन को उससे दिक्कत है, इसी कारण से ये आपके बारे में गलत बातें फैला रहा है। तो आपने अपने बिजनेस पार्टनर को रिसेंटली चेंज किया है ऐसा लगता है यहाँ पर। तो अगर आप इस पर्सन को पेज ऑफ कप्स के थ्रू या नाइट ऑफ पेंटिकल्स के थ्रू एक सॉल्यूशन के लिए बोलें कि वो आपके बारे में या आपकी कंपनी को किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचाए, तो वो पर्सन नहीं मानेगा क्योंकि वो यहाँ पर किसी बात को लेकर आपसे काफ़ी नाराज़ है। किस बात को लेकर नाराज़ है? कि आपने रिसेंटली अपना जो बिजनेस पार्टनर है वो किसी और को बनाया है या आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को पसंद करते हो पास्ट में, लेकिन वहाँ पर आप उस पर्सन के बारे में जब आपको रियलिटी पता चली, आपने उस पर्सन से गैप कर लिया, डिस्टेंस कर लिया और अब आप उस पर्सन से दूर हैं, लेकिन वो पर्सन अब आपके बारे में एक नकारात्मक इमेज जो है वो दुनिया में बना रहा है क्योंकि अब आप यहाँ पर किसी और से शायद शादी कर रहे हैं या फिर कोई और पर्सन आपकी लाइफ में है। आप कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को बैलेंस करें लेकिन चीज़ें बैलेंस होती हुई नहीं दिख रही हैं। क्या करना चाहिए आपको? देखिए, ये जो पर्सन है जो आपके पास्ट में था ये विश्वास के लायक नहीं था। यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ट्स आया है तो कहीं ना कहीं इसकी जो एनर्जी है एक चाइल्डिश एनर्जी है और ये ट्रस्ट के लायक नहीं है। हो सकता है आपने शादी कर ली है, आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है, तो यहाँ पर आप इस पर्सन के ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। आप इस पर्सन को कुछ भी समझाने की कोशिश ना करें और अगर ये आपके बारे में कुछ गलत बोलता है तो क्या करना चाहिए आपको? देखिए, यहाँ पे आया है टेन ऑफ सॉर्ट्स। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये पर्सन आपको बैकस्टैब करेगा ही करेगा, आपके बारे में गलत बोलेगा ही बोलेगा, चाहे आप कुछ भी इसको बोले, कुछ भी कहें, इससे रिक्वेस्ट भी करें कि आपकी इमेज ख़राब ना करे, लेकिन ये ऐसा करेगा ही करेगा। यहाँ पर ये धोखा तो क्लियरली दिख ही रहा है और इसके बाद अगर हम देखें कि आपको क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे द पेपिस कार्ड है, मतलब आपको इसे कुछ भी नहीं कहना चाहिए। आपको आप यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग हो, ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो अपना इसका जो कार्य है वो ये करेगा, ये आपको बैकस्टैब करेगा, झूठ बोलेगा आपके बारे में, लेकिन आप यहाँ पे द पेपिस कार्ड है, आप स्ट्रांग हैं। टेम्परेंस कार्ड है, आप बैलेंस करेंगे सिचुएशन को, आप इससे दूर रहें और आपकी लाइफ में जो ये न्यू पर्सन है यही किंग ऑफ वॉन्ड्स है, यही राइट एलिमेंट है आपके लिए क्योंकि दोनों ही सेम एलिमेंट हैं, फायर एनर्जी है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स साथ में है यहाँ पर और यहाँ पर आप बहुत स्ट्रांग दिख रही हैं। तो अगर ये पर्सन आपको बैकस्टैप करता भी है तो आप इसको इग्नोर करें क्योंकि ये आपके लाइफ में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर ये तीन जो हैं, ये तीन लोगों के बीच की ये फाइट है, मैजिशियन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये जो मैजिशियन है ये कोशिश करेगा कि आप इसकी तरफ ध्यान दें, आप अपना सारा जो फोकस है वो इस पर लाएं। अब इस फोकस को जब ये अपने ऊपर लेगा तो इससे इसके फाइनेंसेस जो हैं वो इम्प्रूव होंगे क्योंकि कहीं ना कहीं इसको फाइनेंशियल गेन है। हो सकता है कि आपका जो बिजनेस पार्टनर हो पुराना, जिसके साथ अब आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, वो कोई ट्रिक करे ऐसी कि आप दोबारा उसके साथ बिजनेस करें और जो न्यू आपका बिजनेस पार्टनर है उसको छोड़ दें। लेकिन आप इसकी बातों में मत आना क्योंकि यहाँ पर ये फाइनेंसेस की वजह से ही आपको मैनिपुलेट कर रहा है। तो यही आपके लिए मैसेज है यूनिवर्स का इन वॉल्यूम 118। उम्मीद करती हूँ थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी, ये जनरल रीडिंग है। पर्सनलाइज रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप करें, नंबर है 9899000366। जय श्री राम, जय भारत।